अस्सलाम वालेकुम जनाब। इंडिया दे विच पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगन लग पे ने जनाब। पाकिस्तान ने इंडिया ते बड़ा वड्डा एहसान कर दिता है। इंडिया वालिया ने पाकिस्तान ते जनाब गीत गाने शुरू कर दिते ने, गाने बनाने शुरू कर दिते ने। इंडिया वाले जनाब तुसी देख रहे होंगे काफ़ी दिनों तो बारिशों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान दे विच भी बारिशां हो रही हैं ते इंडिया दे विच भी बहुत ज़्यादा बारिशां हो रही हैं, जिंदी वजह तो इंडिया पंजाब दे विच खास तौर पर उत्थे सैलाब आ गया है ते जिहड़े सिख भरा ने वह जनाब सारे डुब गए सी। ते पाकिस्तान ने जदों देखा कि जनाब साढ़े सिख भरा पानी दे विच डुब रहे ने ते जनाब इन्हां ने अपने रावी ते सतलुज दे जिहड़े गेट सी वह खोल दिते ने। असल दे विच गेट नहीं खोले, इन्हां ने अपना दिल खोल दिता है जनाब। वह जनाब सारा पानी जिहड़ा सी पंजाब दे विच वह पाकिस्तान दे विच इंटर करा लिया। तो जो पाकिस्तान दे विच पानी इंटर होया तो जिहड़ा सिखां दा जिहड़ा पंजाब सी वह सारा जनाब पानी ख़त्म हो गया उत्थे ते उन्हां दे चेहरियां ते खुशी दी लहर जारी हो गई जनाब। तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लाने शुरू कर दिते ने जनाब, पाकिस्तान ते गीत बनाने शुरू कर दिते ने। पाकिस्तान दे जो उन्होंने वेख्या कि पाकिस्तान ने गेट खोले वह फिर उन्होंने जनाब गाणियां दे विच कहा कि जनाब असी पानी नहीं भेज रहे, सिर्फ ये पानी दे नाल प्यार भी भेज रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश होया जनाब उन्होंने गल्लां सुन के, उन्होंने जो अखां दे विच नमी वेखी है कि पाकिस्तान ने साडे लिए एडा वड्डा एहसान कर दिता है। तो नाल उन्होंने अपनी सरकार है जिहड़ी उन्हां दी हुकूमत है उन्हां ते तनकीद भी की है कि तुसी साडे लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने सारा पानी अपने उत्ते लै लिया, पाकिस्तान दे विच इंटर कर लिया। हालांकि तुसी देख सकते हो जनाब कि पाकिस्तान इंडिया तो रकबे के लिहाज नाल भी छोटा है, आबादी के लिहाज नाल भी छोटा है, तो यह भी कहा जा सकता है कि तरक्की दे नाल भी पिछे ने। लेकिन पाकिस्तान जज्बे दे नाल पिछे नहीं दा, पाकिस्तान ने यह साबित कर दिता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया दे नाल है। पहला एक ही मुल्क सी, अंग्रेज़ों ने वंड पा दी है, इस वजह तो मतलब कि दो हो गए ने, ठीक है ये अंग्रेज़ लैदा कर गए, लेकिन खून ते जज्बा एक ही है पाकिस्तान ते इंडिया दा। खास तौर ते पंजाबी जिहड़े भाई है उन्हां नाल साडी लगन ते जज्बा साडा खून मतलब एक ही है। जदों भी मतलब परेशानी आती साडा खून मतलब कहिंदा है कि यार मैं इन्हां दी बढ़ चढ़ के मदद करां। तो पाकिस्तान ने जनाब दिल जित ले, इंडिया वाले जनाब खास तौर ते पंजाब वाले उन्होंने जनाब वड़े वड़े गीत जारी करते ने, गाने बनाते ने, हर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ला दिते ने कि पाकिस्तान किसी तो कट नहीं दा, पाकिस्तान जदों बंदे ते मुश्किल आवे काम आंदा, खास तौर पर इंडिया ते आज उन्होंने बड़ा वड्डा एहसान कर दिता है जनाब। तो पाकिस्तान रहिंदी दुनिया तक ता सलामत रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो होर इन नाल मैं तुहानू दसदा जावां कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हथ बढ़ाया इंडिया लई, तो हुण इंडिया नू भी चाहिए जनाब कि ये हथ थाम ले। पाकिस्तान नाल जिहड़े उन्हां दे मतलब कि तल्लुक खराब होए ने उन्हां नू दरगुजर करके ये दोस्ती का हथ थाम लैन। पंजाब वालिया ने तो क्या दिल्ली सरकार घटिया, उन्होंने जनाब पाकिस्तान का आना मतलब जो पाकिस्तान लोग जाते भारत के वो भी बंद किया हो जनाब, हूँ पाकिस्तान इंडिया दे विच नहीं जा सकते, ठीक है। तो सिखा ने पाकिस्तान के भी दिल जित ले, तो पाकिस्तान ने सिखा के दिल जित ले जनाब। पाकिस्तान लई जनाब बहुत दुआवां कर रहे ने, उन्होंने नारे ला दिते कि पाकिस्तान जिंदाबाद है तो रहेगा। तो जनाब हुण पाकिस्तान दे जिहड़े तलक खराब ने उन्हां नूं चाहीदा कि जनाब उन्हां नूं तलकां नूं अच्छा करे, उन्हां नूं निभावे, तो दुश्मनियां लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक कौम बन के मजबूती नाल रवे, ताकि अंग्रेज़ां नूं पता चल जाए, उन्हां दे मूँह ते छित्र पै जाण कि इन्हां कौमां नूं असीं लैदा कीता सी, ये अज दोबारा जिंदा हो गई हैं, ये दोबारा जुड़ गई हैं, तो साडे लई लानत दा मुकाम है जनाब। तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा तो है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा इस तरह हर मुल्क दी मतलब खास तौर के इंडिया दी मदद करता रहेगा। तो अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान नूं इस तरह ही ताकयामत जिंदाबाद रखे। तो मेरा दिल बड़ा ही खुश हो गया जनाब
मैं जदों पाकिस्तान सुनिया कि पाकिस्तान ने जनाब गेट खोल दिते ने, हालांकि गेट नहीं खोले, अपना दिल खोलता है, आन दो जनाब पानी आंदा है तो आन दो, खैर या पाकिस्तान डुबेगा लेकिन साडा चढ़दा पंजाब बाजेगा, लेंदे पंजाब ने चढ़दे पंजाब नूं बचा लिया, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।